तो चलिए आज के टॉपिक में बात करते हैं क्राउन इथर्स के बारे में। देखिए ये क्या इनको बोलते हैं, लार्ज साइक्लिक पॉली इथर्स, और लार्ज साइक्लिक पॉली इथर्स को क्राउन इथर्स भी बोलते हैं। क्राउन इथर्स के इनकी शेप की वजह से इनको क्राउन इथर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले क्राउन इथर का एग्जाम्पल यहाँ पर एक है, ठीक है। इसमें क्या हो रखा है, हमारे अगर हम इसको इस तरह से मतलब हम वो करें तोड़े, तो ये एक्चुअली में हमारे पास में इथर लिंकेजेस हैं, एक्चुअली में इथर लिंकेजेस हैं, इसी की वजह से इसको पोली इथर्स बोलते हैं। और क्योंकि ये साइक्लिक होते हैं इसलिए इनको क्राउन की तरह बोला जाता है, क्राउन जैसे होंगे, ठीक है। जनरल नेमिंग कैसे करते हैं हम, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मॉलिक्यूल में वो सामने लिखते हैं, कितने ऑक्सीजन एटम है वो बाद में लिखते हैं, और बीच में क्राउन लिखते हैं। जैसे 12 क्राउन 4 का मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास में 12 एटम्स हैं वो और 4 ऑक्सीजन है। और काउंट भी कर सकते हैं हम चाहे तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में 13 भी हो सकते हैं क्राउन 6, ये डिपेंड करता है कैसे तुम कंडेंसिस कर रहे हो। 14 क्राउन 4 भी हैं, 15 क्राउन 5 भी हैं, 18 क्राउन 6 भी हैं, और 13 क्राउन 10 भी है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर इनका कहीं यूज भी तो होना चाहिए ना। देखिए इनकी सबसे स्पेशल चीज है कि ये मेटल जो आयंस होते हैं, समथिंग लाइक सोडियम प्लस, के प्लस, इन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो क्यों काम आते हैं, देखिए ये जो ऑक्सीजन एटम्स जो हैं, ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो आयनिक स्पीशीज को, जैसे सपोज पोटेशियम है उसके साथ में कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वजह से पोटेशियम आयन इसमें कैप्चर हो जाएगा, और उसका बाहर का जो एक्सटीरियर है वो एक हाइड्रोफोबिक है। तो यानी ये एक ऐसा जो नॉन पोलर कंपाउंड है उनमें डिजॉल्व भी हो सकता है और वहां से मेटल निकाल भी सकता है। सिंपल से रिएक्शन एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास में कोई ऑर्गेनिक सब्सट्रेट है, ठीक है, RCH2X करके, और उसमें अगर मैंने इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, ठीक है, तो बहुत इजीली 18 क्राउन 6 की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अचीव हो जाएगी और हम इसको बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर अब तुम बोलोगे कि हम इसे क्यों निकालना चाहते हैं, निकालना इसलिए चाहते क्योंकि पोटेशियम आयंस जो है मतलब इसकी रिएक्टिविटी वापस बढ़ा के रिएक्शंस को रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, तो हम इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन कंपाउंड्स को जब हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के साथ वो करते हैं तो इनको क्रिप्टोनाइट्स बोलते हैं, क्रिप्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। वही मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ कि क्राउन इथर्स की क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल आयन, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज क्रिप्टेट्स, एंड और इनको क्रिप्टेंट्स बोलते हैं, मतलब ये है क्रिप्टेट्स और क्राउन इथर्स को क्रिप्टेंट्स भी बोलते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, जो 12 क्राउन 4 जो है वो लिथियम के साथ बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है, 15 के साथ में सोडियम प्लस के साथ में, 18 क्राउन पोटेशियम के साथ में, तो यानी डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे हम बड़ा उसके हिसाब से ले सकते हैं, तो बड़ा कम बड़ा हम मेटल आयन उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अगर कुछ मतलब कभी कभी CSR UGC नेट में या गेट में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा क्राउन इथर कौन से मेटल आयन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो छोटा सा क्वेश्चन होता है इंफॉर्मेशन वाइज, लेकिन मैं इसमें एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू भी डालना चाहता हूँ। देखिए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है कि जो क्राउन इथर्स हैं, क्राउन इथर्स का बहुत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मेटल आयंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सर बहुत सारी रिसर्च भी है कि क्राउन इथर्स के स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं, कैसे तुम इसको सिंथेसाइज कर सकते हो, फिर कौन सा क्राउन इथर कौन से मेटल के लिए स्पेसिफिक है, ये अपने आप में वन ऑफ द मतलब हॉट टॉपिक है रिसर्च के लिए भी। तो
हम समझ पा रहे हैं कि क्राउन इथर्स पहले ही हमारे सिलेबस के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रिसर्च इंडस्ट्रीज में इसका बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल है। तो ये छोटी वीडियो है जिसमें क्राउन इथर्स के बारे में ही बात करना चाहता था, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियोज को देखते रहिए। थैंक यू।